हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना आज हम बात करेंगे क्लास इलेवंथ के थर्ड चैप्टर के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाए सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन आयनाइजेशन इन थेरेपी आयनाइजेशन इन थेरेपी क्या होता है याद रखना इन थेलपी का मीनिंग होता है एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हमें क्या करना है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन ग्राउंड स्टेट आपने एक एटम लिया हुआ है आइसोलेटेड है और वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए और वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए अगर आप उसमें से क्या करते हो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो जितना आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइेशन इन थे सपोज हमारे पास कोई भी एटम है एक्स याद रखना वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए आइसोलेटेड गैसियस एटम आपने क्या किया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही मूव कर दिया तो x प्लस बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयन आ जाएगा हमारा सो so x प्लस गैस आ जाएगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज आयनेशन इन और याद रखना जब आप एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिमूव करते हो उसे बोलते हैं आयनेशन इन थेरेपी आपने उसी आइटम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन ही मूव किया आयनेशन इन थेरेपी और थर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिमूव करते हो उसे बोलते हैं आइनेशन इन थेरेपी तो जैसे जैसे आप क्या करते हो ज्यादा एक आइटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिमूव करते हो तो आइनेशन इन भी क्या होती है इंक्रीज होती है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफाइन वेंडरवाल रेडियस वेंडरवॉल रेडियस क्या होता है इट इज वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट आइडेंटिकल आइटम्स बिलोंग टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ठीक है वेंडरवॉल रेडियस से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोवलेंट रेडियस क्या होता है सपोज हमारे पास है सी

जो हमारे एडजेस्टेंट आइडेंटिकल एटम जो एटम साथ साथ में प्रेजेंट है इस तरफ का क्लोरीन का ये आइटम और इस तरफ क्लोरीन का ये आइटम बट ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे अब हम क्या करेंगे इनके न्यूक्लियस का हम हाफ डिस्टेंस जब लेंगे सो तो उसे ही हम बोलते हैं वनडर वर्ल्ड रेडियस कोवलेंट रेडियस आया था हमारा 99 पिकोमीटर बट वंडर वॉल रेडियस क्या होता है ज्यादा होता है ये आएगा हमारा 180 एटी पीकोमीटर तो हमेशा याद रखना विंटरवॉल रेडियस कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है ये हम यूज करते हैं गैसेस के लिए और मोस्टली हम यूज करते हैं नोबल गैसेस के लिए क्योंकि नोबल गैस में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर थर्ड है आउट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विच हैज हायर सेकंड आयनाइजेशन इन थेरेपी सबसे पहले सोडियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख देते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर इलेवन होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन मैग्नीशियम का होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू तो हमें बा, हमें पूछा हुआ है इसमें सेकेंड आयनेशन इन किसकी ज्यादा मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में किसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सपोज सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा थ्री एस जीरो हो जाएगा तो हमारी आ जाएगी नोबल गैस कन्फिग्रेशन ये जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है ये नियॉन को मैच करेगी बट अगर आपने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तब ये नोबल गैस नहीं मिलाएगा आपको एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ठीक है तो सेकंड आयनेशन इन थे ऑफ सोडियम ज्यादा होगी ऐसा क्यों होगा क्योंकि इट एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कंफिग्रेशन आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसकी नोबल गैस कंफिगुरेशन आ चुकी है लाइक like न्योन सो so, अगर आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्रॉम नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो एनर्जी क्या होगी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी वेरअस मैग्नीशियम में इजिली क्या हो सकता है पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये नोबल गैस कन्फिगुरेशन बनाएगा नेक्स्ट okay. क्वेश्चन है हमारा गिव मेन फीचर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में एंटर करता है ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल मतलब आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल में एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ठीक है इसे हमने डिवाइड किया हुआ है दो ग्रुप में ग्रुप वन एंड ग्रुप टू में और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन एस ब्लॉक की होती है एन एस वन टू टू नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव है वट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाउ डज इज चेंज इन ए पीरियड एज वेल एज इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना कोवलेंट कंपाउंड में होती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक एबिलिटी है एटम की वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर अट्रैक्ट करता है ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल टूअर्ड इट सेल्फ ठीक है इसे एग्जाम्पल से देखते हैं सपोज हमारे पास एच एफ का क्या है कोवलेंट बॉन्ड है इसमें क्या हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बट क्या हो रहा है जो फ्लोरीन है याद रखना फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन से ज्यादा होता है

और डाउन द ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप क्या होता है डिक्रीज होता है और सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई लिथियम एंड मैग्नीशियम शो रिजेंबलेंस इन केमिकल बिहेवियर अब याद रखना लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में होता है डायगनल रिलेशनशिप अगर आप देखोगे फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड में लिथियम यहां पे होता है मैग्नीशियम यहां पे होता है इन दोनों के बीच में क्या होता है डायगनल रिलेशनशिप डायग्नल रिलेशनशिप का मतलब क्या है इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा एक दूसरे से मैच करती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन इन्थेरेपी दोनों की क्या होती है ऑलमोस्ट सेम होती है एज ए रिजल्ट क्या होता है दोनों की प्रॉपर्टीज भी मैच करती है और इसे हम डायग्नल रिलेशनशिप भी कहते हैं नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेश्चन नंबर सेवन है हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ एटीन एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल फिफ्थ पीरियड में एटीन एलिमेंट्स हैं कैसे बता सकते हो तो हम यूज करेंगे अब प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल हमें बताता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस टू पी थ्री पी ऐसे हम बना सकते हैं थ्री डी फोर डी फोर एफ इनको ऐसे जोड़ देंगे हम ठीक तो है तो याद रखना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा पहले आएगा वन एस फिर टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जब भी कोई नया पीरियड शुरू होता है तो फिलिंग कहां से शुरू होती है हमारी एस ऑर्बिटल से तो वन एस से शुरू होगा हमारा फर्स्ट पीरियड की फिलिंग सेकंड एस से होगा सेकंड पीरियड की फिलिंग तो अगर हम बात करें वन एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वन एंड टू तो दैट्स दैट पीरियड वन में सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की इसमें फिलिंग होगी टू एंड टू की दो इसमें जाएंगे सिक्स इसमें जाएंगे टोटल एट तो इसमें क्या होता है एट एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड पीरियड में सिमिलरली क्या है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है अगर हम बात करें फिफ्थ पीरियड की इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अगर हम फिफ्थ पीरियड की बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा फाइव एस में ठीक है फिर हो जाएगा हमारा फाइव एस के बाद फोर डी में फिर आ जाएगा फाइव पी में सिक्स एस से सिक्स पीरियड शुरू हो जाएगा तो इसके बीच में क्या आते हैं हमारे तीन ऑर्बिटल आते हैं एक आता है फाइव एस 4d एंड 5p ठीक है तो ये तीनों आ जाते हैं अगर हम इन तीनों के ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे 5s में एक ऑर्बिटल होता है d में कितने होते हैं फाइव ऑर्बिटल p में क्या होते हैं तीन ऑर्बिटल होते हैं तो टोटल नाइन ऑर्बिटल्स होंगे और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसमें दस इसमें सिक्स तो ओवरऑल इसमें एटीन इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और इसमें एटीन एलिमेंट्स होंगे इन फिफ्थ पीरियड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन गेन इन अब आप एक न्यूट्रल गैसियस एटम में क्या करते हो इलेक्ट्रॉन एड करते हो टू कन्वर्ट इन टू ए सपोज आपके पास X है ये एटम है इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज का आयन बनाएगा X नेगेटिव गैस ठीक है जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हो द इन्थेरेपी चेंज इनथेरेपी मतलब जो एनर्जी चेंज अ द प्रोसेस जो एनर्जी चेंज होता है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इन याद रखना मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी क्या करता है रिलीज करता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या होती है एक्सोथर्मिक और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हेलोजेंस में क्या होता है क्योंकि हेलोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जा हो जाते हैं तो इनकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी हाइएस्ट होती है अगर हम बात करें नोबल गैसेस की नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है तो अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसके लिए आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है इट इज एंडोथर्मिक और इसका हमें पॉजिटिव से इसे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज हमें दिया है एन थ्री नेगेटिव ऑक्सीजन टू नेगेटिव फ्लोरिन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव अब इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है वट इज कॉमन इन दैम अब याद रखना नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेवन अगर थ्री नेगेटिव है तो मतलब वो तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेन हो जाएंगे ऑक्सीजन में एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इलेक्ट्रॉन गेन करके करें करें टेन फ्लोरीन में नाइन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टेन सोडियम में इलेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके टेन और एल्युमिनियम में थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बना देगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेन तो सब में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे तो हम इन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सो दे कंटेन टेन इलेक्ट्रॉन ठीक है नेक्स्ट पार्ट है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडिया हमें आयनिक रेडिया इंक्रीजिंग आयनिक रेडिया में अरेंज करना अब याद रखना कि जो नाइट्रोजन है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेवन है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेवन है ऑक्सीजन में एट फ्लोरीन में नाइन सोडियम में इलेवन एंड एल्युमिनियम में थर्टीन अब क्या हो रहा है अगर आप देखोगे एल्युमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज वो क्या है ज्यादा है वो ज्यादा क्या कर सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा ठीक है तो याद रखना जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में उसका साइज क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा अगर हम बात करें नाइट्रोजन की नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है तो न्यूक्लियस जो है उसमें कम अट्रैक्शन है एज ए रिजल्ट साइज क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा पहले आएगा ए एल थ्री प्लस सोडियम प्लस O2- ओ टू नेगेटिव एंड नाइट्रोजन थ्री नेगेटिव तो जिसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा और जिसका ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका लार्जेस्ट साइज होगा नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन नंबर है असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है हमें पोजीशन असाइन करनी है मतलब हमें क्या बताना है हमें पीरियड और ग्रुप बताना है एलिमेंट का हमें दिया हुआ सबसे पहले एन एस टू एन पी फोर एन इज इक्वल टू थ्री एन एस टू एन पी फोर एन इज टू थ्री हमारा क्या बन जाता है आप एन की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे हो जाएगा थ्री एस टू थ्री पी फोर अब याद रखना जितना एन का वैल्यू होता है वो उतना ही पीरियड क्या है सेम पीरियड तो अगर एन का वैल्यू थ्री है तो ये पीरियड क्या होगा इट विल है सपोज एन एस एन एन पी दिया तो ये जो एलिमेंट है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पी सबसे में इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट और जब पी ब्लॉक की आपको ग्रुप बताना है, तो ये याद रखना ये आपको टेन प्लस नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन सो टेन प्लस टू प्लस फोर तो सिक्सटीन टोटल आ जाएगा नंबर दैट 16th ग्रुप नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एन माइनस वन डी स्क्वेयर एन एस टू जब हमें एन माइनस वन डी स्क्वेयर दिया हुआ है तो अगर एन माइनस वन डी दिया हुआ तो इसका मतलब क्या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है डी में और एन इक्वल टू फोर दिया तो ये हम लिख सकते हैं थ्री डी टू फोर एस टू अब एन फोर दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पीरियड ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड और याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है आप क्या करोगे नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ग्रुप लास्ट दिया हुआ है एन माइनस टू एफ सेवन एन माइनस वन डी वन एन एस टू ठीक है अब याद रखना इसमें क्या दिया हुआ है एन माइनस टू एफ दिया हुआ जब एफ दिया होता है ना तो क्या होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जाता है तो ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और जब इसकी एन की वैल्यू दी है एन की वैल्यू सिक्स है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पीरियड इज सिक्स और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है याद रखना इसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम थर्ड ग्रुप में कंसिडर करते हैं नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर इलेवन की क्वेश्चन नंबर इलेवन है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थेल्पी देन क्लोरीन अब याद रखना जो फ्लोरीन होता है ना उसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ज्यादा होता है और डाउन द आप ग्रुप जाते हो तो क्लोरीन आता है इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है ज्यादा होती है तो क्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज कम होता है अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें फ्लोरीन में ज्यादा होने से क्या हो सकता है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जितना ईजिली कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो देखा जाए अकॉन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का क्या होना चाहिए था ज्यादा होना चाहिए था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थेपी बट ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन काफी होता है। उसमें क्या होता है? भी पास पास में रहते हैं ठीक है एज ए रिजल्ट जब आप नया इलेक्ट्रॉन उसमें इंट्रोड्यूस करते हो इट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द अनदर इलेक्ट्रॉन तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें थोड़ी सी रिपल्शन हो जाती है ठीक है बट क्लोरीन में क्या होता है क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जाता है थर्ड एनर्जी लेवल में तो काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड हैंस इट एक्सपीरियंस लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से याद रखना क्या होता है जो फ्लोरीन है उसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट नोबल गैस हैज लेस टेंडेंसी टू बी रिएक्टिव नोबल गैस मोस्टली रिएक्ट नहीं करते ऐसा क्यों बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होने की वजह से दे डू नॉट रिएक्ट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की इसका फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन इन थे अल्कली मेटल्स क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स इसमें हमें दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम लिथियम रुबीडियम हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑफ आयोनाइेशन इन थे अब याद रखना डाउन द ग्रुप क्या होता है नंबर ऑफ इंक्रीज होते हैं एज ए रिजल्ट क्या होता है नंबर ऑफ इंक्रीज होने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी ईजी हो जाता है डाउन द ग्रुप याद रखना नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है डिक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होता है तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है डाउन द ग्रुप टू रिमूव इलेक्ट्रॉन सो एज ए रिजल्ट क्या होता है आयनाइजेशन इन क्या होती है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप तो हमारा ये हम लिख सकते हैं का सबसे ज्यादा होगा देन सोडियम पोटेशियम रिबीडियम का सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि सबसे बड़ा साइज है और लिथियम का सबसे स्मॉल साइज होने से हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए टू तो रिमूव द इलेक्ट्रॉन सेकंड है व्हाट इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ एस एलिमेंट्स एस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक पूछी है एस ब्लॉक में याद रखना हमारी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन होती है एन पी ब्लॉक में होती है एन एस टू एन पी वन टू सिक्स डी ब्लॉक में होता है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन टू टू एन एफ ब्लॉक में होता है एन माइनस टू एफ वन टू फोरटीन एन माइनस वन डी जीरो टू वन एन एन एस टू नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन के फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट पार्ट है वाई आयनाइजेशन इन थेल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन ठीक है नाइट्रोजन का टॉमिक नंबर सेवन ऑक्सीजन का एट है ये दोनों क्या आते हैं एक ही पीरियड में आते हैं याद रखना अक्रॉस द पीरियड क्या होता है अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटोन इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइेशन इन्थेलपी नॉर्मली क्या होती है इंक्रीज होती है बट यहां पे क्या होता है नाइट्रोजन जो पहले आता है ऑक्सीजन से उसकी आयोनाइेशन इन्थेलपी क्या होती है ज्यादा होती है तो ये एक्सेप्शन है ऐसा क्यों होता है नाइट्रोजन हैज ए स्टेबल कन्फिग्रेशन अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें ये होता है 1s2, 2s2, 2p3 इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ड्यू टू हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल अब ये जो 2p ऑर्बिटल है याद रखना हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं स्टेबल होते हैं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन होता है 1s2, 2s2, 2p4 ठीक है इसमें क्या होता है इन ऑक्सीजन द टू ऑफ द फोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम टू पी ऑर्बिटल जो 2p के हैं, है तो इसमें क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही होता है एज ए रिजल्ट क्या होता है इट इज इजी क्योंकि रिपल्शन होने की वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं होता है इसमें से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से रिमूव करना क्या होता है इजी होता है सो so, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इन ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन गेन इंथेपी ऑफ द हेलोजन इन द ऑर्डर ऑफ पहले फ्लोरिन ठीक है ये हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट के बारे में आपको कमेंट करना है सबसे पहले ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि फ्लोरीन और क्लोरीन की जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथेरेपी की बात करते हैं तो फ्लोरीन में क्या होती है इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है एज ए रिजल्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथेरेपी क्लोरीन से कम हो जाती है तो क्लोरीन पहले आना चाहिए फिर फ्लोरिन आना चाहिए फिर आता है हमारा ब्रोमीन एंड देन आयोडीन तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इन थे नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की इसका फर्स्ट पार्ट है गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कैल्शियम टू प्लस याद रखना कैल्शियम का टॉपिक नंबर क्या होता है ट्वेंटी होता है तो अगर आपने उसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा इसके एटीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है ठीक है जिसके सेम इलेक्ट्रॉन्स है के 18 इलेक्ट्रॉन्स होते, होते हैं तो सल्फर टू नेगेटिव के 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो थ्री नेगेटिव हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड क्वेश्चन दिया व्हाट वुड बी द आयोपेक नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद नंबर ट्वेंटी अब याद रखना हमें हमारे पास अगर, 120 अगर वन ट्वेंटी नंबर दिया हुआ है अगर हमें इसका नेम और सिंबल लिखना आयो पैक तो इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं याद या रखना ये डिजिट है ये वर्ड है एबडिविएशन ठीक है डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इनके नेम वर्ड होंगे नील अन बाय ट्राई क्वाड पेंट हैग सेप्ट ऑक्ट एन और इसकी एबडिवियशन होगी एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ आपको कोई भी नंबर दे दिया हंड्रेड से ज़्यादा सपोज वन ट्वेंटी दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे पहला वर्ड जो भी होगा आप कैपिटल में लिखोगे वन क्या होगा अन ठीक है अन टू क्या है हमारा बाई ठीक है इसको ऐड कर देंगे जीरो क्या है हमारा नील ठीक है और एंड में हम ऐड कर देंगे ई एम तो ये चारों चीज़ें आपको ऐड कर देनी है तो आपका नेम बन जाएगा आयोपेक नेम अन बाय नील लियम ओके सो दिस इज़ द 120 ट्वेंटी नेम अब इसकी सिंबल की बात करेंगे सिंबल में भी हमारा जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा तो हमारा वन क्या है वन इज़ यू तो यू कैपिटल में लिखेंगे सेकेंड क्या है हमारा बी

और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की वैल्यू क्या होती है काफी ज्यादा नेगेटिव होती है ठीक है अगर कोई ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है एक्सेप्ट करता है तो वो खुद क्या करता है रिडक्शन करता है बट वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है सो बिकॉज इट हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी वैल्यू सो इट एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या कर सकता है ईजिली किसी से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है गेन कर सकता है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा सो इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली सेकेंड है वाई केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट आइटम ठीक है सपोज हमारे पास सोडियम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इलेवन प्रोटॉन्स इलेवन होंगे आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तुम्हारा बन गया सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टेन और प्रोटॉन इलेवन ठीक है याद रखना ये जो पॉजिटिव चार्ज चार्ज स्पीशीज होती है इसे हम बोलते हैं कैटाइन अब क्या होता है ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो चुके हैं तो इसे बोलते हैं इज ए इंक्रीज इन इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज चार्ज में क्या होता है और केटाइन में क्या होता है ज्यादा होता है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट प्रोटॉन रिमेन द सेम एज ए रिजल्ट क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो जल्दी खींचता है अपनी तरफ और साइज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की इसका फर्स्ट पार्ट है ट इज लार्जेस्ट इन साइज कॉपर प्लस कॉपर टू प्लस और कॉपर एंड वाई तो याद रखना कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्वेंटी और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ट्वेंटी में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन कम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्वेंटी और कॉपर टू प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्वेंटी सेवन प्रोटोन ट्वेंटी नाइन अगर आप देखो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो ओवरऑल जो प्रोटॉन है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वो क्या है ज्यादा हो रहे हैं प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ज्यादा होता है जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और साइज क्या होता है डिक्रीज होता है तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज याद रखना ज्यादा होता है और साइज डिक्रीज हो जाता है सो एज ए रिजल्ट कॉपर का है लार्जेस्ट साइज बिकॉज इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सबसे लीस्ट होता है सेकेंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट इन टेबल हैज द हाइस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये होता है आंसर इसका हीलियम ही He, सबसे पहले एक नोबल गैस है ऑलरेडी स्टेबल है बट नोबल गैसेस में भी ये इसका स्मॉलेस्ट साइज होता है इसका न्यूक्लियस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन टेबल थर्ड है विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक सोडियम और मैग्नीशियम एंड वाई मेटेलिक नेचर याद रखना मेटल वो अच्छा होता है जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ठीक है थीके? अगर हम बात करें सोडियम की सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है न्यून 3s1 मैग्नीशियम की होती है न्यून 3s2 अब सोडियम में क्या करता है सिर्फ उसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसे नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगी मैग्नीशियम को दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो सोडियम में दैट्स वाई सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है काफी ईजी होता है सो सोडियम इज मोर मेटेलिक ड्यू टू लोअर आयनाइजेशन इन तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वो स्टेबल हो जाएगा तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और उसकी आयनाइजेशन इन क्या है कम है वेरस मैग्नीशियम हैज हायर आयनाइजेशन इन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट की टू विच सीरीज डू मैन मेड एलिमेंट बिलोंग कौन सी सीरीज में मैन मेड एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो वो है हमारी एक्टेनॉइड सीरीज एक्टेनॉइड सीरीज के जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो मैन मेड है ठीक है और याद रखना ये ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई बेरिलियम हैज हायर डेल्टा आई एच डेल्टा आई एच होता है आयोनाइजेशन इन देन द बोर याद रखना जो बेरिलियम है उसके एटॉमिक नंबर फोर होता है बोरॉन का फाइव होता है अक्रॉस द सीरीज में आते हैं दोनों ठीक है बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज्यादा है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो ये क्या होता है ये स्ट्रांगली इसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो देखा जाए तो बोरॉन का जो आइनजेशन इनपी था वो बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए बट यहां पे क्या होता है एक्सेप्शन आता है ऐसा क्यों होता है सो इन बेरिलियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे बोरॉन का होता है इन बेरिलियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन टू एस ऑर्बिटर जो बेरिलियम है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है टू एस में बट इन बोरॉन इट इज प्रेजेंट इन टू पी ऑर्बिटर ठीक है सिंस टू एस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ग्रेटर पेनिट्रेशन आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव टू द न्यूक्लियस अब जो टू एस इलेक्ट्रॉन है याद रखना इनकी ग्रेटर पेनिट्रेशन होती है ये न्यूक्लियस के क्या होते हैं काफी ज्यादा क्लोज होता है एज कंपेयर टू टू पी ऑर्बिटर तो एज ए रिजल्ट क्या होता है जो 2s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा अट्रेक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन द 2p पी इलेक्ट्रॉन सो एज ए रिजल्ट अगर आपको 2s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन सो दैट्स व्हाई जो बेरिलियम है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट है तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू बोरॉन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट है सिमिलर आपको ट्रेंड आपको दिखाई देगा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में भी दिखाई देगा मैग्नीशियम हो जाता है 3s2 एल्युमिनियम हो जाता है 3s2 3p1 और मैग्नीशियम का क्या होगा आयनाइजेशन एल्युमिनियम से ज्यादा होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 3s में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स ऑफ द एस ब्लॉक एंड द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द दी ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ एस ब्लॉक में आते हैं मेटल्स और एक्सट्रीम राइट right में आते हैं हमारे हेलोजन ठीक है और उनका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बताया तो एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम ऑफ ए पीरियड ईजिली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स तो एक्सट्रीम में जो होते हैं एलिमेंट्स लाइक मेटल्स और हैलोजन दोनों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकते हैं द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स इन द एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जैसे हमारा क्या है मेटल्स लाइक सोडियम तो ये इसके जो ऑक्साइड होते हैं जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड जो है दे आर बेसिक इन नेचर तो अगर आपने इसको वाटर में डाला तो ये क्या बनाता है बेस बनाता है एन एच सो दे आर बेसिक इन नेचर द ऑक्साइड फॉर्म बाय द एक्सट्रीम राइट आर एसिडिक इन नेचर जो हाइलोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो याद रखना एसिडिक नेचर के होते हैं जैसे सी एल टू ओ सेवन ठीक है अब याद रखना कुछ ऑक्साइड सेंटर में भी बनते हैं सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री एन आरसेनिक ऑक्साइड ए एस टू ओ थ्री वो ना एसिड और ना बेस के साथ वो रिएक्ट करते हैं लाइक सी ओ एन ओ एन एन टू ओ ने हम बात करें क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कंसिडरिंग द एटोमिक नंबर एंड पोजिशन इन द प्रियोडिक टेबल अरेन्ज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर हमें फॉलोइंग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेिक करेक्टर में अरेज करना है हमें दिया सिलिकॉन बेरोलियम मैग्नीशियम सोडियम एंड फॉस्फरस हम इसमें ग्रुप लिख लेंगे सबसे पहले हम इन्हें ग्रुप के और पीरियड के फॉर्म में अरेंज करेंगे हम लिखेंगे वन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इसमें जो बेरिलियम है वो किस में आता है सेकेंड ग्रुप में आता है और वो सेकेंड पीरियड में आता है बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो थर्ड पीरियड में आते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है सोडियम सेकंड ग्रुप में आता है मैग्नीशियम फोर्टीन ग्रुप में आता है सिलिकॉन और फिफ्टीन ग्रुप में आता है फॉस्फोरस सबसे पहले से हम ऐसे अरेंज कर लेंगे अब याद रखना जो मेटेलिक करेक्टर वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप याद रखना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है आयनाइजेशन इन कम होती है तो डाउन द ग्रुप क्या होता है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है एंड इट डिक्रीजेस अलॉन्ग ए पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन इन थेरेपी भी इंक्रीज होता है सो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है ठीक है तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा तो सोडियम जो होगा उसका सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा फिर मैग्नीशियम का बेरिलियम याद रखना ग्रुप सेकंड में आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल मेटल्स ज्यादा मेटेलिक होते हैं फिर आ जाएगा हमारा सिलिकॉर और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा फॉसफरस का एंड इट विल बी लीस्ट मेटेलिक नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद z इज इक्वल टू वन वन फोर हमें अटोमिक नंबर दिया वन वन फोर हमें इसका पीरियड और ग्रुप बताना है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम अब प्रिंसिपल से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी से हम अरेंज करेंगे तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो पहले आएगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p फोर एस थ्री डी फोर पी एंड फाइव एस तो अकॉर्डिंगली आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्बिटल्स को अरेंज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल होंगे और साथ में आपको नोबल गैसेज याद रखनी है पहले आता है हीलियम नियॉन हीप्टॉन जीनो रेडॉन ठीक है ये हमारे हैं नोबल गैसेस एटॉमिक नंबर की बात करेंगे होता है टू टेन एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एटी सिक्स अगर आपको इसके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं तो आप मैजिक नंबर यूज कर सकते हो विच इज टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू तो आपको क्या करना है हीलियम का टू होगा इसमें आप प्लस एट करोगे तो नियॉन बन जाएगा प्लस एट करोगे तो आर्गोन एटीन बन जाएगा प्लस एटीन करोगे टोटल तो, तो थर्टी सिक्स क्रिप्टॉन बन जाएगा एटीन प्लस करोगे तो जीनॉन बन जाएगा और थर्टी टू करोगे तो हमारा रेडॉन बन जाएगा विच इज एटी सिक्स तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो इसके एटॉमिक नंबर लिख सकते हो तो आपको वर्ड यूज करना मैजिक नंबर टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू अब याद रखना जो हीलियम है उसमें क्या होता है कंप्लीटली फिल हो जाता है नियॉन में 2p, पी में 3p, पी क्रिप्टॉन में 4p, पी जीनॉन में 5p और रेडॉन में 6p तक क्या होती है सिक्स पी तक इलेक्ट्रॉनिक कंफिकेशन फिल होती है ठीक है तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो कोई भी आपको सपोज आपको 18 और 36 के बीच में कोई भी एटॉमिक नंबर आ गया जैसे 35 आ गया तो आप क्या कर सकते हो आरगॉन यूज़ कर सकते हो ठीक है सपोज 36 और 54 के बीच में आ गया तो आप क्या कर सकते हो क्रिप्टॉन अगर आपके पास 86 से बड़ा आ गया एटॉमिक नंबर तो आप रेडॉन यूज़ कर सकते हो ठीक है अब हमें क्या लिखना है हमें एटॉमिक नंबर 114 का लिखना है तो हम क्या करेंगे क्योंकि रेडॉन है हमारा 86 सिक्स टू तो हम इसके आगे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन फिल करेंगे तो हमारा यहाँ टू तो रेडॉन आ जाता है इसके बाद आता है सेवन एस एंड सेवन पी ठीक है अब हमें याद रखना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना 86 और 114 को और अगर आप डिफरेंस करोगे तो 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 7s में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे मैक्सिमम फो इसमें 14 हो जाएंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए सिक्सटी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे तो 26 और दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सेवन में

आई होप आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपको इस चैप्टर्स के पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा तो सी सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय